नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 5 तारीख को यानी कि 5 अगस्त यानी सोमवार को नाग पंचमी है और इस बार की नाग पंचमी बहुत ही विशेष है। अब विशेष क्यों है इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहला रीजन तो ये कि इस बार की जो नाग पंचमी है वो सर्वार्ध सिद्ध योग में उसका प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जो नाग पंचमी है उसका जो उदय होने का समय है वो सर्वार्थ सिद्ध योग में उदय होने का समय है। पहला रीजन तो ये होगा। दूसरा कारण ये है कि इस वर्ष की जो नागपंचमी है वो सोमवार के दिन आ रही है। सोमवार के दिन आने से उसका महत्व और भी विशेष हो जाता है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि नागपंचमी हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, यानी सावन का महीना भी है, तो इन 3 वजह से इस बार की जो नागपंचमी है वो विशेष महत्वपूर्ण है। और जब कोई विशेष त्यौहार या विशेष दिन किसी विशेष समय पर आता है तो उसका महत्व भी विशेष ही होता है और उससे मिलने वाले फल भी विशेष होता है, यानी उससे मिलने वाला फल भी आपको अत्यधिक मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नागपंचमी का समय क्या है, यानी नागपंचमी कब से कब तक रहेगी। दूसरा हम ये जानेंगे कि नागपंचमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, हम कब से कब तक या किन ड्यूरेशन में हम पूजा कर सकते हैं। तीसरा हम ये जानेंगे कि नाग पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है। और लास्ट में यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है तो वो व्यक्ति इस नाग पंचमी पर किस प्रकार से पूजा करे कि उनकी कुंडली से कालसर्प दोष समाप्त हो जाए। इन सभी विषय पे चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नाग पंचमी 4 तारीख रविवार को रात्रि 11:02 से प्रारंभ हो जाएगी और 5 तारीख सोमवार की रात 8:40 तक रहेगी, यानी ये पूरे जो ड्यूरेशन है उसमें नागपंचमी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मुहूर्त है पूजा करने का वो कब है। तो अब सोमवार की सुबह 9 बजे से 10:30 तक, 10:30 से 12 बजे तक और 1:30 बजे से 3 बजे तक के समय बहुत ही अच्छा, यानी इनको मुहूर्त शुभ मुहूर्त बोलते हैं। इन मुहूर्त में आप कभी भी नागपंचमी की पूजा कर सकते हो। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से या हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो नाग देवता की पूजा कई वर्षों से यानी हजारों वर्षों पहले से शुरू हो चुकी है। और इसका पहला जो उदाहरण है या पहला जो घटना है वो महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग से मिलती है। आपको ये भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि जो नाग है वो 12 प्रकार के होते हैं। अब वो 12 प्रकार कौन कौन से हैं, इनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्य, कंवल, कारकोटक, उच्चतर, धतराष्ट्र, शंखपाद, कालिया, तक्षक और पिंगल नामक नाग शामिल है। इनमें तक्षक, वासुकी और कालिया नाग सबसे खतरनाक माने जाते हैं। तो चलिए अब अंत में आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप उसको इस नाग पंचमी को किस प्रकार से दूर कर सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कालसर्प दोष है उन्होंने सोमवार दिन सुबह उठकर नहा धोकर आपको शिवालय जाना यानी शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर अपनी शक्ति के हिसाब से या तो आप तांबे का या चांदी का या सोने का नाग नागिन का जोड़ा आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर आपकी इतनी शक्ति भी नहीं है तो आप बिलपत्र ले लीजिए और बिलपत्र पर चंदन से आप बिलपत्र के ऊपर नाग नागिन का चित्र बना दीजिए या उसके डिजाइन बना दीजिए और फिर आप उनको चढ़ा दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में जो कालसर्प का दोष है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी उन्नति में जो बाधा आ रही है इस कालसर्प दोष के कारण वो भी दूर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।